बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फ़िश करी की तरकीब शेयर करूंगी, जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उमूमन घरों में फ्राई फ़िश इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत सारे वक्त गुजरने के साथ हमें पता चलता है क्या चीज़ सही है और क्या गलत। डॉक्टर जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि फ़िश जब फ्राई होती है तो इसकी जो जितने भी इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सब जल जाते हैं। तो इसलिए आज मैं जो है ये इसका सालन बनाने की तरकीब बताऊंगी। इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो फ़िश लिए मैंने, सुरमई मछली है ये, और ये इसको इस तरह इसके पीस हैं सारे। 1 किलो फ़िश है, इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बस इतनी प्याज थी। 2 प्याज हैं, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 3 टेबल स्पून दही है, बहुत गाढ़ी सी है, पतली नहीं है। और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, और मसालों में जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 से भी 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च लिए, और 1/2 टीस्पून से भी कम जो है मेथी दाना लिया है ये, और अजवाइन। ये जो है इसमें मेथी दाना जो है बघार में जाएगा, और अजवाइन जो है बस 5 मिनट पहले हम जब मसाले के अंदर इसको शामिल करेंगे। सबसे पहले प्याज है, इसको मैं बारीक पीस लूँगी। अब सबसे पहले मैंने पैन में तेल गरम किया, अभी मैंने इसमें प्याज फ्राई की थी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। फिर इसके बाद ही मैंने प्याज जो है इसको पीस के रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी सी दही भी शामिल कर दी थी, ये भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये प्याज भुनी हुई थी तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना। हल्की सी ग्रेवी होगी, लेकिन शोरबा नहीं होगा। बाज़ लोग होते हैं बहुत पतला सा, जैसे आलू गोश्त का शोरबा होता है वैसे हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होगा, बल्कि हल्का हल्का सा भुना हुआ रहेगा। इसके अंदर मेथी दाने शामिल किए, मेथी दाने इसको मैंने थोड़े से कूट लिए। मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्चें और गरम मसाला, ये सब शामिल करके और मैं मसाला भून लूँगी। अजवाइन जो है ये थोड़ा सा लास्ट में डालूँगी। और एक अहम ज़रूरी बात वो ये कि बहुत से लोग कहते हैं जो फ़िश है उसको हमेशा फ्राई करके डालना चाहिए। अब जब फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे तो फिर उसकी जो सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर की विटामिन्स हैं, सब जल जाएंगी। तो इसलिए मसाले को भून के, बस जब बिल्कुल भून जाएगा फिर हम मछली को ऐड करेंगे। मैं दही भी शामिल करूंगी आहिस्ता आहिस्ता, इसमें थोड़ी सी अभी डाली, थोड़ी सी और भूनने के बाद फिर डालूंगी। अब ये मसाला भुन गया है तकरीबन, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है, जो डाला है वो ही है। अब मैं इस वक्त इसके अंदर फिश डालूंगी और इसको पाँच मिनट जो है मैं इस तरफ से पकाऊंगी, और मसाले को इसके ऊपर भी डालती जाऊंगी ताकि एक जैसा इसके अंदर फ्लेवर आए। और अभी आंच जो है दरमियानी रहेगी। साइड से पकाने के बाद फिर मैं इसको इस साइड चेंज कर दूंगी और फिर हल्की आंच पे पकेगा। फिश जो है बहुत जल्दी पकती है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें। अब इसके अंदर अजवाइन जो है मैं शामिल कर दूंगी ताकि इस तरफ भी अजवाइन रहे और मैं जब पलट दूंगी तो उस तरफ भी अजवाइन रहे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से
चॉपर में नहीं पीसना, इस तरह करके और इसको डाल देंगे। अब जो है इसको टर्न कर दूंगी मैं सब फिश को। अब 15 मिनट जो है मैं इस साइड से पकाऊंगी लेकिन हल्की आंच पे। अब ये बिल्कुल तैयार है और इसकी जैसी ग्रेवी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही हल्की सी। अब ये गरम गरम है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी और ये ड्राई हो जाएगी और अब इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल लूँगी।